कोविड-19 वैक्सीन लगने के बाद क्या आशा कर सकते हैं? कोविड-19 वैक्सीन कोविड-19 बीमारी से बचने में आपकी सहायता करेगी। वैक्सीन लगने के बाद आपको उसके कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जो कि साधारण है और इस बात का संकेत है कि आपका शरीर कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा कवच का निर्माण कर रहा है। क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान देखे गए कुछ सामान्य दुष्प्रभाव में शामिल है वैक्सीन की जगह पर दर्द होना, ठंड लगना, सूजन आना और थकावट महसूस होना, बुखार आना, सर में दर्द। यह दुष्प्रभाव आपकी दैनिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको फ्लू हो, लेकिन ये कुछ ही दिनों में चले जाने चाहिए। यदि आपको बुखार की वजह से दर्द या बेचैनी महसूस हो तो आप फार्मेसी से आइबुप्रोफेन या टाइलेनॉल इत्यादि लेने के बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श करें। अपने हाथ का नियमित रूप से इस्तेमाल करें और हाथ का व्यायाम करें। दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन लगने वाली जगह पर साफ, ठंडा, गीला कपड़ा रखें। यदि आप बुखार की वजह से बेचैनी या तकलीफ महसूस कर रहे हैं तो तरल पदार्थ का उपयुक्त मात्रा में सेवन करें, जैसे कि पानी पिए और हल्के कपड़े पहने। अधिकतर परिस्थितियों में दर्द या बुखार से तकलीफ होना सामान्य बात है। अगर 24 घंटे के बाद आपको लालपन या दर्द बढ़ते हुए प्रतीत हो, या आपके दुष्प्रभाव आपको चिंतित कर रहे हो या कम होते हुए प्रतीत ना हो, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आप इनमें से कोई भी लक्षण महसूस करें तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, चेहरे या गले में सूजन, दिल की धड़कन बढ़ना, चक्कर आना और कमजोरी महसूस करना। वैक्सीन लगने के बाद यदि वैक्सीन के दूसरे डोज की आवश्यकता है तो उसे लेना ना भूलें। सार्वजनिक जगह पर मास्क पहनना जारी रखें, भीड़ से बचें और दूसरों से 6 फुट की दूरी बनाए रखें और अपने हाथ अक्सर धोएं। अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जाएं, www.cdc.gov/coronavirus।